हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज 12th कॉमर्स एंड सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी. एंड वी आर डिस्कसिंग वन चैप्टर ऑफ द बिजनेस स्टडी दैट इज नोन एज द डायरेक्टिंग. एंड द डायरेक्टिंग वी हैव डिस्कस द वेरियस टॉपिक लाइक मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग. वी नो दैट the directing process, it is very complex process, because in the directing the managers, the leaders motivate the people, instruct the people, guide the people, lead the people. And we know that in every organizations, in any organizations, there is a number of workers, and all the workers, they are belong to different locality, they belong to different region, cultures, they belong to different. So it is a very difficult for the managers to motivate the people, to lead the people, to effectively communicate the people. I mean to say that ki har ek jitne bhi employees hain wo alag alag category ke hain, alag alag samudaya ke hain, ya phir jo hai unka thinking alag hai, theek hai. To alag alag vichardhara ke, alag alag thinking ke log jo jab milke ek sath kaam karte hain, to किसी का नीड्स अलग है, किसी का वॉन्ट्स अलग है, कोई जो है ज़्यादा टेम्परामेंट है, कोई जो है शाही नेचर का. आई मीन टू से दैट एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होने के कारण ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है मैनेजर्स के लिए कि उनको जो है हम जो है मोटिवेट कर पाए और उनसे जो हम वर्क ले सकें. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ directing, there are certain principles and it is advisable to every managers to follow these principles. अगर जो इस principles को अगर follow करते हैं तो जो complexity है जो directing का वो जो है किसी हद तक जो है वो कम हो सकता है. अगर managers जो है चाहे वो leader जो है ये जितना भी दिया हो principles को follow करता है अपने directing process के अंदर और वो जो है अपने employees को जो है इफेक्टिवली जो है उसको डायरेक्शंस प्रोवाइड करके उनसे जो है मैक्सिमम एफोर्ट जो है गेन कर सकता है एंड अल्टीमेटली अपने कंपनी के अपने ऑपरेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो पाएगा. सो स्टूडेंट्स, लेट अस लुक द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टिव. फर्स्ट इज मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. देखिए, जब भी मैनेजर जो है जब डायरेक्टिंग प्रोसेस है, जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, जब उसको परफॉर्म करने जाता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि हम जो है मैक्सिमम जो है एफर्ट अपने एम्प्लॉई से ले सकें. डायरेक्टिंग बेसिकली सिर्फ होता ही है, आप भी जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया डायरेक्टिंग के पर्पज क्या होता है, ठीक है. तो वही क्या हो यहाँ पर कि मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, अधिक से अधिक जो है इम्प्लॉयज को जो है मैक्सिमम एफर्ट को जो है मैनेजर जो है गेन कर सके, ठीक है. तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप देखिए यहाँ पर जो है अब एक कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो रहा है यहाँ पर कि जो मैनेजर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक कंपनी के अंदर जो है डिफरेंट जो है पीपल्स जो है वर्क करते हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, दे बिलोंग टू डिफरेंट कैस्ट, ठीक है, लोकेलिटी ऑल्सो. तो उनका जो जो थिंकिंग है, जो एटीट्यूड है, डिफरेंट होता है. तो किस तरह से इम्प्लॉयज को जो है इंटीग्रेट करें उनके एफर्ट को, उनको मोटिवेट करें, उनको जो है कम्युनिकेट करें, ठीक है. तो मोटिवेशन, तो यहाँ पर क्या है, मोटिवेशन जो एलिमेंट है डायरेक्टिंग का वो जो है रोल प्ले करता है यहाँ पर. मैनेजर्स को जो है ये हर एक इंडिविजुअल्स के नीड्स एंड वॉन्ट्स को जो है फाइंड आउट करना पड़ता है, कौन सा इंडिविजुअल जो है किस तरह से मोटिवेट होगा. कोई इंडिविजुअल जो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू मोटिवेट होगा, यू नो दैट व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. कोई इंडिविजुअल्स, कोई इंप्लॉयज जो है वो फाइनेंशियल्स के थ्रू मोटिवेट होगा. कोई इंप्लॉयज जो है बेटर कम्युनिकेट कर देंगे तो उससे मोटिवेट हो जाएगा. किसी इंप्लॉयज को जो है इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, अगर हल्का सा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देंगे तो बेटर एफोर्ट या बेटर वर्क करेगा, ठीक है. तो आई मीन टू से दैट कि फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसे हम जानते हैं कि जो मोटिवेशन के अंदर जो इंसेंटिव जो होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव जो होता है वो बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन फैक्टर होता है, जिसके थ्रू जो कोई भी पर्सन जो है मोटिवेट हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर मैनेजर्स की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हम यूँ कह सकते हैं यहाँ पर उसका रोल है कि वो जो फाइंड आउट करे
और उनको जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करें। आपको पता है कि व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड व्हाट यू मीन बाय नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। तो जब हम जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे एंड वी नो दैट दिस इंसेंटिव इज द मोटिवेटर टू द एम्प्लॉई, तो वो जो है अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देने में जो है कामयाब रहेंगे और वी कैन से दैट द मैनेजर्स आर एबल टू गेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वर्कर साइड। सो दिस इज द मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड वन इज हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देखिए अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इन द ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज अ डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, देयर इज अ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, जैसे एक एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव भी है, उसका मेन मोटिव ये होता है कि हमको जो अच्छा सैलरी मिले, हमको हाइजीनिक कंडीशंस मिले, मेरे जो वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जो भी मेरे कलीग्स हैं, जो भी मेरे सीनियर्स हैं, उनसे मेरा रिलेशन हार्मनी रहे, ठीक है। तो उनका अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है। एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई हम जो है मैक्सिमम अपने एम्प्लॉय से जो है अफोर्ड ले सकें लोएस्ट कॉस्ट के अंदर, ठीक है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो ओवरऑल जो कंपनी का चाहे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी हम जो है एट हाउ एट एनी कॉस्ट वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, तो ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव का जो है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, मैनेजर्स की बनती है, लीडर्स की बनती है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं जो भी ऑब्जेक्टिव जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव है, चाहे एम्प्लॉयज का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, उनको जो हार्मोनाइज करना, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कर लिए कि सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको जो है सेल्स इंक्रीज करना है। भाई किसी भी कंपनी के अंदर जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सेल्स इंक्रीज करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो है ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमको जो मिनिमम कॉस्ट पर जो है हमको प्रोडक्शन करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लैश किस बात का हो रहा है कि अगर प्रोडक्शन डिवीजन जो है इन्फीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करके जो प्रोडक्शन करता है तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, बट ऑन द अदर हैंड सेल्स डिपार्टमेंट को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्या इन्फीरियर क्वालिटी से बनाया गया जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन डिवीजन ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल किया और बल्कि जो है आपका जो सेल्स डिवीजन है उसका जो है इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा, मतलब अपने अपने इंटरेस्ट को जो है फुलफिल करने में लगे हुए हैं और अपने ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव को भूल गए। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है मैनेजर्स की कि वो जो है हर एक डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हार्मोनाइज करे, उनके बीच में क्लैश ना हो। अगर दोनों के बीच में ऑब्जेक्टिव्स में क्लैश होता है तो अल्टीमेटली हमारी कंपनी सफर करता है, ऑब्वियसली हम सफर करेंगे, आई मीन एम्प्लॉय सफर करेगा। दिस इज हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। ऑलरेडी यू नो अवेयर अबाउट द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, मींस कमांड एक होना चाहिए। अगर जो है अगर मैनेजर्स है, मैनेजर्स के अंडर में अगर 10 सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं तो वो जो है जो कमांड जो है वो 10 सबॉर्डिनेट्स के एक ही मैनेजर्स का मिलना चाहिए, दो तीन मैनेजर्स का नहीं मिलना चाहिए। अगर दो तीन मैनेजर्स का कमांड मिलता है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, दे कन्फ्यूज जाएंगे किसका हम कमांड फॉलो करें, किसका कमांड फॉलो ना करें, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है मैनेजर्स के लिए कि जो भी वो कमांड प्रोवाइड कर रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को, वो जो है डेफिनेट उन्हीं पर्सन के लिए होना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि ऑथोराइज जो पर्सन है वही जो है कमांड करे सबॉर्डिनेट्स को, कोई दूसरा मैनेजर कमांड करेगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और जो है वर्क जो है इफेक्टिवली हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट ये होगा एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक। अब देखिए जो भी हम लोगों ने एलिमेंट पढ़ा डायरेक्टिंग का, उसमें जो आपका मोटिवेशन है, आपका इंस्ट्रक्शन है, कम्युनिकेशन है, लीड्स है, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो हम ये सब ऑलरेडी कह सकते दिस इज टेक्निक टू डायरेक्ट द एम्प्लॉयज, ठीक है। तो किस टेक्निक को एक मैनेजर्स जो है अडॉप्ट करें अपने एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर समझदारी वाली बात मैनेजर्स की, यहाँ पर इंटेलिजेंसी की बात मैनेजर्स की ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्राई टू फाइंड आउट
टेक्निक विच टेक्निक इज एप्लीकेबल एप्रोप्रिएट टू विच टाइप ऑफ पर्सन, किस पर्सन के लिए कौन सा टेक्निक एप्लीकेबल करें हम ताकि वो जो है मैक्सिमम एफर्ट प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोई इम्प्लॉयज जो है, अगर कोई इम्प्लॉयज जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव से ज्यादा मोटिवेट होता है, कोई इम्प्लॉयज जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट होता है, कोई इम्प्लॉय कहता है कि भाई हमको उतना पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन आई नीड ए जॉब सिक्योरिटी, वो जॉब सिक्योरिटी से मोटिवेट होता है, कोई इम्प्लॉय कहता है कि नहीं हमारा जो है इन्वायरमेंट बढ़िया होना चाहिए, जो वर्किंग कंडीशन जो वो हाइजीन होना चाहिए उससे मोटिवेट होता है। ठीक है, आई मीन टू से दैट ये जो एप्रोप्रिएटनेस है टेक्निक का, इस टेक्निक की एप्रोप्रिएटनेस को जो है फाइंड आउट करना है कौन सा टेक्निक किस एम्प्लॉयज के ऊपर जो सुटेबल होगा ताकि हम जो है उससे जो मैक्सिमम एफर्ट जो है गेन कर सके। ठीक है, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेक्निक एंड आफ्टर दैट अप्लाई दैट टेक्निक टू दैट एम्प्लॉयज। ठीक है, तभी हम जो है मैक्सिमम एफर्ट गेन कर पाएंगे, दैट इज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डायरेक्शन टेक्निक। नेक्स्ट है मैनेजरियल कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन अगेन दिस इज द एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग कम्युनिकेशन। मीन देखिए जो भी पॉलिसी बनता है, जो भी स्ट्रेटजी बनता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है वर्क से रिलेटेड, ठीक है, वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। ठीक, तो व्हाटएवर द मैसेज रिगार्डिंग टू द वर्क, रिगार्डिंग टू द पॉलिसी, रिगार्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शंस ए मैनेजर्स गेट फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उस मैसेज को जो है अपने एम्प्लॉय तक कैसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, देखिए कहने मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए मैनेजर्स देर आर हायरिंग प्रोफेशनल पर्सन्स एंड दे आर वेरी, उनका जो भी कम्युनिकेशन होता है इंग्लिश में होता है, उनका कम्युनिकेशन चाहे वो रिलेटेड कम्युनिकेशन हो चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो। ठीक है, अगेन अगर हम जो है मिडिल लेवल की बात करते हैं, मिडिल लेवल के तो मैनेजर्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी क्वालिफाइड एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो उस लैंग्वेज जो कम्युनिकेट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने मैनेजर्स को कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजर्स कर रहा है, तो द मैनेजर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट द टॉप लेवल मैनेजर्स कम्युनिकेट टू हिम। ठीक है, क्योंकि वो क्वालिफाइड है। लेकिन अगर वो मैसेज अगर हम अपने सुपरवाइजर्स को चाहे वर्कर्स को अगर हम पास आउट करते हैं लेकिन हम उसको इंग्लिश की लैंग्वेज में पास आउट करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैसेज एग्जैक्ट मैसेज व्हाट ही गॉट फ्रॉम द टॉप लेवल अथॉरिटी उसको जो है सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में जो है एम्प्लॉय जो वर्कर्स है वर्कर्स की भाषा में समझाया जाए ताकि जो भी इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है, जो भी गाइडलाइन मिला हुआ है, चाहे मैनेजर्स के पर्सनल गाइडलाइन क्यों ना हो, चाहे इंस्ट्रक्शंस क्यों ना हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्यों ना हो, वो उनकी लैंग्वेज में जो है इजीली सिंपल वे में कम्युनिकेट करें ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि हमारा सेल्स टारगेट क्या है, हमारा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक मैनेजर्स के लिए, वो जो ईजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस बार जो हटा दिया गया है लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है। किसी भी कंपनी के अंदर दो तरह के फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑल द एम्प्लॉयज एंड ऑल द हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट दे आर बाइंड विद द स्केलर चेंज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बंधे होते हैं, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर जो है एक स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एक जो है जो भी वर्क होता है एक जो है फॉर्मल के तहत होता है, रूल्स रेगुलेशन के अंडर होता है, उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यू नो वेरी वेरी वेल, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई भी एक कंपनी का रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता। सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको क्लास है, ठीक है, तो क्लास के अंदर कोई टीचर्स पढ़ा रहा है, ठीक है, तो सपोज लंच हो गया, मैं आप एक एग्जाम्पल दे, सपोज लंच हो गया, आप क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हो, ठीक है, तो आप क्लास में बैठे हुए हो पढ़ाई कर रहे हो तो फॉर्मल स्ट्रक्चर हो क्योंकि जो है यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहा क्लास के अंदर, फॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप जो क्लास के बाहर नहीं सकते हो, आप जो अनवांटेड टॉक नहीं कर सकते हो, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आपको जो है फोकस करना है, दिस इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन जब इंटरवल होता है वही क्लास ट्वेल्थ के बच्चे जो है क्लास टेंथ के बच्चे से मिल रहे हैं, क्लास नाइन्थ के बच्चे से मिल रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, तो ये जो पर्सनल इंटरेक्शन है, ठीक है, अपने जो है इंटरेस्ट को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो हम अलग अलग लोगों से जो हम मिलते हैं वो हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कराता है, चाहे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कराता है। उसी तरह से
कंपनीज के अंदर क्या होता है, वहां पर भी जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैफेटेरिया के अंदर जो एक मैनेजर ही बैठा हुआ, एक सुपरवाइजर ही बैठा हुआ, आपस में बैठे चाय पी रहे हैं, चाय फिर जो है पार्टी हो रहा है, पार्टी जो है एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पर जो सभी एक साथ मिलकर चाय पानी पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, आपको कोई सीनियर यूनिवर्सिटी को उतना मतलब नहीं रहता है, क्रिकेट हो रहा है, हर एक स्टाफ क्रिकेट खेल रहा है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसका एडवांटेज भी ये है कि जब भी कंपनी जो है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चाहे कोई पॉलिसी बनाती है, ठीक है, तो वो पॉलिसी जो है ओके, हमारा टॉप मैनेजमेंट हमारा पॉलिसी हम लोग के लिए पॉलिसी बनाया है, ठीक है, वी द एम्प्लॉयज आर बाउंड टू फॉलो दैट पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन, बट क्या होता है कि पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशन टॉप मैनेजमेंट जो बनाया है वो जो है एम्प्लॉयज को जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर के तहत, वो कह नहीं पाते, उनको डर लग रहा था कहीं हमने को अपोजिशन किया इस रूल्स एंड रेगुलेशंस का तो कहीं हमारे अगेंस्ट एक्शन ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव एडवांटेज ये है, अगर होशियार मैनेजर्स है, मैनेजमेंट होशियार है, तो वो जो है फॉर्मल जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से जो भी बातें आ रही हैं एम्प्लॉयज के थ्रू, तो उसको जो पॉजिटिव वे मिले, अगर कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाए और एम्प्लॉयज को पसंद नहीं है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं कि अपने मैनेजर का है, लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से पता चल रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट को या मैनेजर्स को, तो वो उसके अंदर उसे लग रहा है कि हाँ ये जो हमने पॉलिसी या रूल्स बनाया है वो वाकई में ज़्यादा रिजिड है, हमारे एम्प्लॉयज के फेवरेबल नहीं है, इसको थोड़ा चेंज किया जाए, ठीक है। तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जो है यूज करें पॉजिटिव वे में, और जो भी कमियां हैं कंपनी के पॉलिसी पे रूल्स रेगुलेशन में उसको जो मॉडिफाई करें तो उसको पॉजिटिव वे में, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या हुआ, लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स कि एम्प्लॉय जो भी मैनेजर्स है जो भी सुपरवाइजर है उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। भाई आप देखते हैं लीडर्स को जो है सभी लोग फॉलो करते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर उस तरह का होता है, बस कम्युनिकेट करने से जो है कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं कि आपको जो है सुबह शाम वर्क करना है तो आपको साथ लग के वर्क करना पड़ेगा, आपके अंदर वो जो है मोटिवेशन स्किल्स होना चाहिए, आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए ताकि जो है आप जो बोलें, ठीक है, तो वो जो है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर जो है वो काफ़ी इफेक्ट करे उसको, तो इफेक्ट कब करेंगे जब आप उस लाइक काम करेंगे, जब आप जो एम्प्लॉयज के साथ रह कर काम करेंगे तभी जो है सुपॉर्डिनेट्स आपकी बात मानेंगे। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जो है कोई सेल्स मैनेजर है, ठीक है, तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव भी बोल रहे कि जाइए जो है सेल करिए, प्रोडक्ट सेल करिए, लेकिन मेयर वो कह रहा है, लेकिन अगर वो सेल्स मैनेजर जो खुद अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ मार्केट में जा रहा है और जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से लोगों से बात करना है, अपने सेल को प्रमोट करना है, ठीक है, तो ये क्या लीडरशिप क्वालिटी है, पता है एम्प्लॉयज के साथ लग करके अगर काम करेंगे तो जो भी आप बोलेंगे इंस्ट्रक्शन देंगे मोटिवेट करेंगे उसका वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर फॉलो अप थ्रू, अब जो है जितना प्रिंसिपल जो है फॉलो प्रिंसिपल जितना भी है उसको जो है एक मैनेजर जो है उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग प्रॉपरली, तो जो है फॉलो एक्शन बहुत जरूरी है कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया एम्प्लॉय को, जो हमने मोटिवेशनल टूल जो टेक्निक जो हम उसके ऊपर लागू किए क्या वाकई में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, डायरेक्शन हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो भी हमारा प्रीडिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयज हमारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टू टेक टाइम टू टाइम फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड उनके जो वर्क के बारे में, उनके हर एक एक्टिविटी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर, टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।